दोस्तों हाफ डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप डोमेन एंड होस्टिंग जो है वो परचेज करते हैं। तो कई एप्लीकेशन ऐसे हम बनाते हैं जिसमें हमें एडमिन पैनल की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें सर्वर साइड से सारा ही कुछ आपको करना होता है। तो उसके लिए हमें होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है और मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक देने वाला हूँ। तो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको तीन प्लान जो है वो मिल रहे हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ शेयर होस्टिंग की, क्योंकि शेयर होस्टिंग क्या होती है कि उसमें आप मल्टीपल वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तीन प्लान है, तो इसका नाम स्टेलर है, तो यहाँ पे आप तीन वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। इसका स्टेलर प्लस, तो इसका जो है यहाँ पे आप अनलिमिटेड वेबसाइट जो है वो होस्ट कर पाएंगे। और यहाँ पे जो बिजनेस प्लान है, यहाँ पे आपको 50 GB SSD का स्पेस मिलता है और यहाँ पे अनलिमिटेड जो है आप वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। तो इनके प्लान भी अलग अलग इस हिसाब से देखने को मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पे इस प्लान के साथ जाने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपको डोमेन भी चाहिए, तो अगर नया डोमेन आपको परचेस करना है तो आपको ये वाला सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास पहले से ही डोमेन है, कहीं से आपने परचेस किया, मान लो कि गोडेडी से किया हुआ सिर्फ डोमेन, और यहाँ पे आप होस्टिंग लेने वाले हैं, तो आपको ये सिलेक्ट करके फिर उसमें डोमेन का नाम डालना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे न्यू डोमेन लेना है। तो हम ये वाला सिलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पे हम टाइप करेंगे कि वो डोमेन अवेलेबल है या नहीं। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। तो ये जो डोमेन मैं खरीदने वाला था, वो डोमेन जो है वो ऑलरेडी लिया गया है, मतलब कि वो परचेज नहीं हो पाएगा। तो मुझे इसी हिसाब से कुछ देखना पड़ेगा। और अगर आप इससे खुश नहीं है तो यहाँ पे आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उसमें अवेलेबल है या नहीं। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ शो मी डेटिंग ऐप, क्योंकि मैं ये जो होस्टिंग परचेज कर रहा हूँ वो एक एप्लीकेशन बनाने वाला हूँ उसके लिए कर रहा हूँ। तो उसका भी मैं वीडियो कोशिश करूँगा कि अगर ला पाता हूँ या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगर वो वीडियो फ्यूचर में आता है तो आपको वो भी सीखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है शो मी डेटिंग ऐप, एक बार आपको स्पेलिंग ठीक से देख लेना है, और जब आपको लगता है कि हाँ अपने को यही लेना है तो आप यहाँ पे कनेक्ट टू होस्टिंग कर देना है। अब यहाँ पे आपको बताएगा कि इसका जो ICAN फी जो है वो $0.18 लगेगा। हाँ, तो वो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे कर देना ऐड टू कार्ट। तो हमारा जो टोटल प्राइस होने वाला है वो कुछ $31 के आसपास है, जिसका हम अगर रुपीज में करेंगे तो 2300 रुपये के आसपास जो है वो हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जो है आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आपको आसान रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपको कहेगा कि आप यहाँ पे साइन इन या फिर साइन अप कर लीजिए, क्योंकि हमारा यहाँ पे अकाउंट तो बना हुआ है नहीं, इसलिए यहाँ पे हमें अकाउंट क्रिएट करना होगा, जो कि बहुत ही आसान है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूजर नेम डालना है, यहाँ पे 2 बार पासवर्ड, यहाँ पे आपका नाम, और यहाँ पे जो है ईमेल एड्रेस डालना है, और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। तो मैं इसको फिल करके कंटिन्यू कर देने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने डिटेल जो है वो डाल दिया है, और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ क्लिक करने के लिए। अब यहाँ पे आपको कुछ और डिटेल भी आस्क करेगा, जो कि आपको भर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डाल देना है, और यहाँ पे फोन नंबर आएगा, और उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। तो मैं यहाँ पे एड्रेस फिल कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट अपना एड्रेस वगैरह फिल कर लिया है, और यहाँ पे मैं करूँगा कंटिन्यू। अब एक और बार आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना रहेगा। अब ये लोग मेन मुद्दे पे आएंगे, जहाँ पे आपको पेमेंट करना रहेगा। तो पेमेंट के लिए आप जो है कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, और कार्ड से अगर नहीं होता है तो आपको पेपाल का यूज़ करना होगा। अगर आपके पास पेपाल का अकाउंट नहीं है तो आप बना लीजिए, क्योंकि पेपाल से आसानी से हो जाता है। और कुछ लोगों को जो है कार्ड से काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि इसमें वीज़ा मास्टर कार्ड जो है कुछ लोगों के पास अगर नहीं होता है, जैसे कोई और कार्ड है जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, SBI, तो इन कार्ड्स में शायद पेमेंट नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको जो है ICICI बैंक, HDFC, एक्सिस, इस तरह के कार्ड्स चाहिए होंगे। अगर कार्ड से नहीं होता है तो आपको पेपाल पे अकाउंट बना लेना है, फिर उससे कार्ड कनेक्ट करके ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना रहेगा। तो मैं अभी यही ऑप्शन से करने वाला हूँ, ठीक है। और ये सिलेक्ट करने के बाद आपको
कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे सिर्फ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको जो है सिंपली स्क्रॉल करना है नीचे, और यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन इनके है उस पर टिक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे चेकआउट विथ पेपाल कर देना है। अब ये आपको सीधा ले आएगा यहाँ पे पेपाल का लॉग इन पेज पर, और यहाँ पे आपको लॉग इन करना है और वहां से पे कर देना है। तो मैं यहाँ पे अपना लॉग इन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आने के बाद आपको जो है टोटल अमाउंट मिल जाएगा अपने INR में, और यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ज्यादा दिखेगा जो कि इनके कुछ टैक्स वगैरह होते हैं, तो उस हिसाब से आपको पे करना रहेगा। तो यहाँ पे आपको जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे आपका जो अकाउंट होगा वहां से आपका पेमेंट हो जाएगा, और हाँ यहाँ पे कोई OTP वगैरह भी नहीं आता है, तो ये आपको ध्यान देना है। और जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे वापस आप आ जाएंगे रीडायरेक्ट होके मेन साइट पर, और यहाँ पे आपका ऑर्डर जो है वो प्रोसेसिंग में लग जाएगा। प्रोसेसिंग खत्म होते ही आपको थैंक यू फॉर योर ऑर्डर करके लिखा हुआ आएगा, और यहाँ पे आपको रेटिंग के लिए पूछेंगे, तो यहाँ पे आपको हटा देना है। आप चाहे तो रेटिंग दे सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ स्टार्ट ही किया है, तो कैसे आप रेटिंग दे देंगे। और यहाँ पे आपको सीधे आ जाना है वापस नेमचीप पर, डैशबोर्ड पर आ जाना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीधा ही जो है यहाँ पे आपको डोमेन दिख रहा है, और यहाँ पे आपको जो है अपना होस्टिंग दिख जाएगा। यहाँ से आप सीधा ही जा सकते हो सी पैनल पे, और यहाँ पे एक्सपायर जो है वो भी दिखा रहा है 16 नवंबर 2022, और 16 नवंबर से कुछ अगर आपको याद आ रहा है तो आप बता देना। और उसके बाद आपको चले जाना है अपने जीमेल में, और यहाँ पे आपको एक वेरिफिकेशन के लिए आया होगा तो वो देख लेना। एक और ईमेल आएगा इसके बाद, जो कि होगा आपका होस्टिंग का क्रेडेंशियल, जहाँ से आप डायरेक्टली सी पैनल पर लॉग इन कर पाएंगे। वहाँ पे सी पैनल का यूजर नेम एंड पासवर्ड मिलेगा। तो हमने यहाँ पे परचेज कर लिया है अपना डोमेन एंड होस्टिंग। तो एक और मैं बात आपको बता दूँ, नेमचीप की खास बात ये है कि आपको यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट जो है वो फ्री में मिल जाता है 1 ईयर के लिए, और यहाँ पे अभी अलर्ट में है क्योंकि अभी अभी जस्ट ये रजिस्टर हुआ है, उसके बाद जो है ये इस टाइप का हो जाएगा ब्लू, और SSL सर्टिफिकेट जो है वो एक्टिव हो जाएगा अपने आप, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको यहाँ पे अगर एक बार दिखा दूँ तो यहाँ पे सी पैनल पर क्लिक कर लेते हैं, तो ये सी पैनल है हमारा, यानी कि कंट्रोल पैनल। यहाँ से आप कुछ भी हैंडल कर सकते हैं, आप यहाँ पे वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी स्क्रिप्ट आप इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर आपको ब्लॉग बनाना है या फिर कुछ भी करना है, तो ये वो कंट्रोल पैनल है आपका। ठीक है, तो मैं इसको अभी क्लोज कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पे डोमेन एंड होस्टिंग दोनों ही परचेस कर लिया है, और मैंने आपको बताया कि कैसे आप जो है वो होस्टिंग परचेस कर सकते हैं मात्र इतने रुपए में। ठीक है, आप देख सकते हैं 2300 रुपये में। अगर कोई स्कीम चल रही है जो कि आने वाली है ब्लैक फ्राइडे को, मैं आपको बता रहा हूँ, तो 26 नवंबर को आप याद कर लीजिए इसका डेट, और उस डेट को जो है अगर आप परचेस करते हैं तो आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको जो हमने यहाँ पे 2300 में डोमेन एंड होस्टिंग परचेस किया है वो आपको करीबन 1500-1400 में भी मिल सकता है, तो आप उसको नोट करके रख लीजिए, और हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।